हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम साबूदाने की टिक्की बनाएंगे। तो साबूदाने की टिक्की व्रत में फलाहार के रूप में खाई जाती है। तो देखिए इसमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मूँगफली दाना लिया है मैंने, हरी मिर्च ली है 5 से 6 जो मैंने कट कर ली है, और सौंधा नमक लिया है, इसको सेंधा नमक या काला या सफ़ेद वाला जो भी आपके पास हो वो आप ले लें। नींबू का जूस लिया है 1 नींबू का, और हल्दी पाउडर, और साबूदाना, और 6 से 7 आलू लिए हैं मैंने। इनको बॉईल कर लिया है और साफ़ कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब हम साबूदाना डालेंगे। साबूदाने को पहले मैंने भिगो दिया था, अब 4 से 5 घंटे पहले साबूदाना लेकर उसको भिगो दें। ये साबूदाना को मैंने बर्तन में ले लिया है। अब हम इसमें आलू को मैश करेंगे। तो एक एक आलू उठा करके आप मैश करिएगा, अच्छे से मैश करिएगा। इसमें पानी की ज़रूरत हमें बहुत कम होती है कि साबूदाना अच्छे से गल जाता है। तो अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हल्का सा आप डालिएगा। तो सारे आलू मैं मैश कर लेती हूँ। ये सारे आलू मैंने मैश कर लिए हैं। आलू को एकदम बारीक नहीं मिसना है, मसलना है, थोड़े से उसमें मोटा मोटा सब मिसना है उसको। मसलने में ध्यान ही रखना है कि आलू थोड़े से ज़्यादा नहीं मैश हो। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद नींबू का जूस डालेंगे। ये सारा सामान जो भी है हम मिक्स कर लेंगे इसमें। मूँगफली दाना और ये सेंधा नमक हमने लिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। ये सेंधा नमक हमने डाल लिया है, इसकी सारी गुठलियाँ जो हैं आप फोड़ लें, क्योंकि ये बाद में गलती नहीं है। अब हम इसमें हल्दी डाल के और इसको अच्छे से मसलेंगे, एक डो के जैसा तैयार करेंगे। अब हम मसलना स्टार्ट करते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि आलू ज़्यादा ना मैश हो। इस तरीके से आपको मसलना है और एक डो के जैसा तैयार करना है। डो नहीं बनाना है, बट डो के हिसाब से ही आपको बनाना है। ये देखिए डो मैंने बना लिया है, और इसको हमको बना के देख लेना है कि इसकी टिक्कियाँ बन रही हैं कि नहीं। ये देखिए इसकी टिक्की हम आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए अब टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। और रिफाइंड ऑयल रख दें आप गैस पे ताकि गर्म हो, टिक्की बने तब तक। ये देखिए रिफाइंड ऑयल मैंने रख दिया है, वो गर्म हो रहा है, तब तक हम टिक्की बनाते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से टिक्कियाँ बना लेंगे सारी। आप किसी भी शेप में, जैसे गोल आपको बड़ी बनाना है, कैसे बनाना है, छोटी बड़ी, ऐसे अच्छे से सारी टिक्की बना के और हम रख लेते हैं। मैं सारी बना के बताती हूँ आपको। देखिए इसी तरीके से हम सारी टिक्की बना लेंगे और बना के एक बर्तन में रख लेते हैं, और फिर अब इनको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए रिफाइंड हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें एक एक टिक्की डालेंगे। अगर हमारा डो गीला नहीं होगा तो ये टिक्कियाँ आपस में चिपकेंगी नहीं। अगर डो गीला हो जाएगा तो फिर निकालने में हमें, रिफाइंड से तलने में इसे परेशानी होगी। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनको चलाना नहीं है, ये अपने आप फ्राई हो जाएंगी, फिर दूसरी तरफ पलट देंगे हम इनको। ये देखिए फ्राई हो रहे हैं, अभी मैंने इनको पलटा नहीं है। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद में हम इनको दूसरी तरफ पलट देंगे। देखिए अब हम इनको पलटेंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक गई हैं, अब हम इनको पलट देते हैं, और उस तरफ से सिकने के बाद में इनको निकाल लेंगे। मैं सारी पलट देती हूँ। देखिए अब मैं इनको निकाल लेती हूँ।
अच्छे तरीके से मैं अपनी सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए सारी टिक्की मैंने निकाल ली है और देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। ये देखिए अंदर से भी अच्छे तरीके से सिक गई हैं बिल्कुल। आप इस तरीके से बनाइएगा और बताइएगा कि आपकी कैसे बनी है। ये देखिए, ये देखिए टिक्की मेरी बन करके तैयार है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।